हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आपको टॉपिक से पता भी चल रहा होगा कि आज की वीडियो पेंशन कैलकुलेशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली SAS का नोटिफिकेशन हुआ था और उसके लिए फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन SAS का एग्ज़ाम डिले हो चुका है जैसा कि आपको पता है। लेकिन 2-3 महीने में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है, हो सकता है कि मार्च तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। SAS के सिलेबस के बारे में काफ़ी डिटेल्स मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जिन्होंने सिलेबस की PDF मुझसे मांगी थी उनको मैं PDF भी भेज चुका हूँ, ईमेल कर दी थी मैंने। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो क्लासेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में या तो कोई कोचिंग देने वाला नहीं है। जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, कईयों को ऑनलाइन कोचिंग में समझ में नहीं आता। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ जो आपको SAS के एग्ज़ाम में भी हेल्प करें, जैसे कि ये वीडियो है पेंशन कैलकुलेशन से रिलेटेड। इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, पेंशन कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को ही कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल कि हमें पेंशन कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है। ये जो आपको बोर्ड पर लिखे दिखाई दे रहे हैं ये स्टेप्स होते हैं, इसमें इनको आप एक बार देख लें, चाहे तो नोट कर लें। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जाम में सॉल्यूशन करना है पेंशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। और अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके मार्क्स भी फुल आएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी एम्प्लॉय को रिटायर होने वाला है तो उसके लिए हम जो उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वो पेंशन फाइल इस टाइप की मंगवा लेते हैं। ये एम्प्लॉय जो कंप्लीट सेट लेकर आया है उसके ऊपर मैंने देखा कि 300 रुपये में ये कंप्लीट सेट दिया है, जिसमें पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ GPF फाइनल पेमेंट की एक फाइल है। तो ये किसी काम की नहीं है, खाम खा किसी एम्प्लॉय का बेवजह से पैसे खर्च मत करवाएं। जो हमारे रूल्स हैं उसके पीछे ही फॉर्म्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। रूल्स के लास्ट में ये जो फॉर्म हैं, फॉर्म पेंशन 1 से लेकर पेंशन 9, 10, ये जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर हम सिंपली इनके प्रिंट आउट निकाल कर पेंशन केस फॉरवर्ड कर देंगे तो भी हमारा पेंशन केस रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप इनके प्रिंट आउट निकाल कर ही अपने सर्विस रूल्स में से इन्हीं को फिल करें, क्योंकि ये जो सेट बनाकर बेच रहे हैं ये मोनोपोली चला रहे हैं, अपनी अपने मुँह मांगे रेट पर ये एम्प्लॉयज़ को बेचते हैं। जैसा कि आपने बुक्स भी खरीदी होंगी SAS के लिए, तो वहाँ भी जो हिसार से आप बुक्स लेकर आते हैं जो उन पर प्रिंट रेट होता है बिल्कुल उस रेट पर देते हैं वो आपको, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी भी जो बुक्स हैं SAS की उसकी भी PDFs आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि सारी बुक्स और तैयारी करने का जितना भी मटेरियल है नोट्स के साथ, जैसे ये वीडियोज़ हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। आपको कोचिंग के लिए भी कहीं कोई फीस ना देनी पड़े और ना ही बुक्स के लिए। तो जितना मुझे टाइम लगता है उसके हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूँ नोट्स भी आपके लिए और बुक्स की PDF भी। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही है आपके लिए। एक एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में रिटायर होने वाला है, उसकी कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये उसकी सर्विस बुक है मेरे पास। तो इस वीडियो में हम इस एम्प्लॉय की स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसकी पेंशन की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको GIS वाली वीडियो में बताया था, किसी भी टाइप का काम अगर आप ऑफिस में करते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको SAS के लिए सोल्व करना है, एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको अपने जो रूल्स हैं सिविल सर्विस रूल उनका ध्यान रखना है। अपने रूल्स की एक कॉपी अपने पास रखें और रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे सॉल्यूशन करें। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी पेंशन केस तैयार करते हैं और कोई भी आपको ये बोलता है कि ये गलत है, तो उसकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी काम गलत नहीं होगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार जो ये राइट हैंड में 5 स्टेप्स हैं इनको साफ कर देता हूं। स्टार्टिंग में हम जो ये 5 स्टेप्स हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले हमें टोटल सर्विस काउंट करनी है किसी भी एम्प्लॉय की, ये सबसे पहला काम है। अगर टोटल सर्विस काउंट करके उसमें से आप नॉन क्वालिफाइंग सर्विस माइनस कर देंगे तो जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस आएगी ये अगर आपने ठीक निकाल ली तो आपका पेंशन केस गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो मैं इस एम्प्लॉई का पेंशन केस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें देखनी है कि एम्प्लॉई की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से ही हमें पता चल जाता है कि उस एम्प्लॉई की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी, तो ये चीज़ें सबसे पहले नोट कर लें। इस एम्प्लॉई की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 11 जुलाई 2005 है।
जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 64 की है, तो डेट ऑफ बर्थ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ग्रुप सी का एम्प्लॉई है। तो 58 की जो इसकी एज है उसमें रिटायरमेंट हो जाएगी इसकी, तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आप डेट ऑफ बर्थ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट ही लिख लें, उसके बाद आपको सर्विस बुक में चेक करना है कि इस एम्प्लॉई की पूरी सर्विस वेरीफाइड है या नहीं। एक एक करके आप सर्विस वेरिफिकेशन चेक करते रहें, और जहाँ से पहली सर्विस वेरीफाई हो रखी है वहाँ से चाहें तो नंबरिंग स्टार्ट कर दें उसकी, जैसे इसमें कर रखी है, ये सर्विस वेरीफाई कर रखी है इसमें और इस पे नंबर 1 डाल दिया है मैंने। इसी तरीके से आप सीरियल नंबर वाइज जितनी भी सर्विस वेरीफाई हुई हैं उनकी आप पहले नंबरिंग कर लें ताकि आपको पता चल जाए, और जो आप पेंशन केस भेजेंगे सर्विस बुक के साथ एजी हरियाणा में उनको भी नंबरिंग से साफ पता चल जाएगा कि सीरियल नंबर वाइज इसकी पूरी सर्विस वेरीफाइड है। अब यहाँ पर इसकी सर्विस वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो 6 नंबर पर इसकी सर्विस वेरीफाई है वो सर्विस वेरीफाई है 30/4/2011 तक। इसके बाद इसकी जो सर्विस वेरीफाई की गई है वो की गई है 1/7/2011 से, तो बीच में 5वें और 6ठे महीने की सर्विस इसकी वेरीफाई नहीं है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, तो इन 2 महीनों की सर्विस आपको पहले वेरीफाई करवानी पड़ेगी जहां पे भी ये उस टाइम पोस्टेड था उस ऑफिस से। बिना सर्विस वेरिफिकेशन के आपको पता नहीं चलेगा कि इस पीरियड की जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग है या नॉन क्वालिफाइंग है। अभी इसकी जो ये 2 महीने की सर्विस वेरिफिकेशन पेंडिंग है उसको हम क्वालिफाइंग सर्विस ही मानकर चल रहे हैं, इसको हम वेरीफाई करवा लेंगे जहां भी उस टाइम ये एम्प्लॉय पोस्टेड था। इसके अलावा आपको चेक करना है कि उसके सर्विस बुक में कोई और एंट्री ना हो, जैसे इस एम्प्लॉय की सर्विस बुक में एक ये एंट्री है, ये कोर्ट केस के ऑर्डर लगे हुए हैं, कोर्ट में इसकी जो पुरानी सर्विस थी जो डेली वेजेस की थी उस सर्विस को पेंशन के लिए काउंट किया गया है, और यहाँ पर इन ऑर्डर्स की एंट्री भी हो रखी है इसमें। तो इन ऑर्डर्स के हिसाब से इस एम्प्लॉय की सर्विस 19/4/95 जब इसने डेली वेजेस पे ज्वाइन किया था तो इस एम्प्लॉय की सर्विस बुक में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एंट्री है। इस एम्प्लॉय की सर्विस बुक 19/4/95 जब इसने डेली वेजेस पे ज्वाइन किया था तब से लेकर 1/7/2005 से इनकी सर्विसेज रेगुलर की गई थी, तो इसके बीच का जो पीरियड था 1/7/5 से पहले का उसको पेंशन बेनिफिट के लिए काउंट किया गया है। तो पेंशन केस जब हम तैयार करेंगे तो जो पेंशनरी बेनिफिट के लिए सर्विस काउंटेबल है उस पूरी सर्विस को हम लेकर चलेंगे, तो हमें इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11/7/5 की जगह 19/4/95 लेनी पड़ेगी। और जैसे 1/7/5 से इस एम्प्लॉय की सर्विस रेगुलर हो गई थी उसके बाद इसने ज्वाइन किया था 11/7/5 को आफ्टरनून ज्वाइन किया था, तो इसकी सर्विस यहां से मानी जाएगी 12/7/5 से लेकर, अगर ये फोरनून में ज्वाइन करता तो 11/7 से ही इसकी सर्विस काउंट होती। तो बीच में जो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का टाइम है वो इसकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगी, सिर्फ 11 दिन की इसकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होगी, बाकी सर्विस इसकी क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप करें, इसकी टोटल सर्विस काउंट करें। टोटल सर्विस काउंट करने के लिए 19/4/95 से लेकर इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक आपको टोटल ईयर मंथ एंड डेज की कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी सर्विस आ जाएगी 27 साल 1 महीना और 13 दिन की, जो ये हम ईयर मंथ और डेज की कैलकुलेशन करते हैं इसका आपको सबको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता हो तो गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं जो ईयर मंथ और डेज को कैलकुलेट कर देती हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप कम्प्लीट हो चुका है, इसकी एम्प्लॉय की टोटल सर्विस हमारे पास आ चुकी है 27 साल 1 महीना और 13 दिन। टोटल सर्विस निकालने के बाद अब हमें सेकंड स्टेप पर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसकी सर्विस काउंट हो चुकी है 19/4/95 से, लेकिन सर्विस रेगुलर हुई थी 1/7/5 से और इसने ज्वाइन किया था 11/7/5 को आफ्टरनून में, इसका मतलब 12/7/5 से इसकी सर्विस काउंट होगी। तो ये बीच के जो 11 दिन है ये इसका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस आ जाएगा क्योंकि इस पीरियड पर इसने कोई भी काम नहीं किया हुआ और कोर्ट से भी इस पीरियड को काउंट करने का कोई ऑर्डर नहीं है, तो 11 दिन की इसकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। अब हम जब नेट क्वालिफाइंग सर्विस निकालेंगे तो टोटल सर्विस में से जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है उसको लेस कर देंगे, तो इसकी टोटल सर्विस बची 27 साल 1 महीना और 2 दिन। ये हमारे पास इसकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस आ चुकी है।
इसके अलावा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में कौन कौन सी सर्विस आती हैं, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय विदाउट पे है तो उसको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंड रहा है और उसकी सर्विस को काउंट नहीं किया गया है तो उसको भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में आती हैं इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स की डिटेल में देखेंगे कि पेंशन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। फिलहाल हम सिर्फ पेंशन कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस समझेंगे इस वीडियो में, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको SAS के एग्जाम में सोल्व करना है। नेट क्वालिफाइंग सर्विस निकालने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं हाफ ईयरली, 6 महीने की एक हाफ ईयरली होती है, तो 6th मंथ के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 27 साल के 54 हाफ ईयरली तो डायरेक्ट ईयर से बन जाएंगी। उसके बाद जैसे 6 महीने की एक हाफ ईयरली होती है तो ये 1 महीना और 2 दिन है, अगर यहाँ पर साल कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ या उससे ऊपर है, 3 मंथ एंड अबव, तो हम उसको एक हाफ ईयरली लेकर चलेंगे। अगर यहां पर 3 मंथ 2 डेज होता तो यहां पर 55 हाफ ईयरली हो जाती, अगर 3 महीने से कम है तो उस सर्विस को हम काउंट नहीं करेंगे और हाफ ईयरली सिर्फ यही मानी जाएगी। ठीक इसी तरीके से 6 महीने के बाद की जो सर्विस है उसको हम काउंट करेंगे, अगर यहां पर 9 मंथ की सर्विस होती तो उसको 2 हाफ ईयरली में काउंट करते हैं हम 9 मंथ एंड अबव को, अगर 6 महीने के बाद 7 या 8 महीने की सर्विस है तो उसको सिर्फ 1 हाफ ईयरली माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करनी है। इसके बाद हम इस एम्प्लॉय की पेंशन कैलकुलेट करेंगे। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है लास्ट पे ड्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाफ ईयरली डिवाइडेड बाय 40। यहां पर आपको पता भी होगा कि 25/8/14 को इंस्ट्रक्शंस आई थी, उसके बाद 20 साल की सर्विस को मैंडेटरी किया गया था रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए, तो 20 साल की सर्विस मैंडेटरी है इसलिए 20 की जो हाफ ईयरली है 20 साल की वो 40 हाफ ईयरली बनती हैं, इसलिए यहां पर 40 आया है। इससे पहले 17/4/9 को इंस्ट्रक्शंस आई थी, 17/4/9 की जो इंस्ट्रक्शन थी उसके हिसाब से तो आपको 28 साल की मिनिमम सर्विस मैंडेटरी थी, और 17/4/9 से पहले 66 हाफ ईयरली मैंडेटरी होती थी पेंशनरी बेनिफिट के लिए, मीन्स 33 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, तब आपको पेंशनरी बेनिफिट पूरे मिलेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ इसका ध्यान रखें, 25/8/14 से 20 साल की सर्विस की गई थी इसलिए यहाँ पर हम 40 लेके आए हैं, और आपका जो SAS का एग्जाम होगा वो भी नई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही सोल्व करना है आपको, यहाँ पर 40 ही लेकर चलना है। इसके बाद अगर इस एम्प्लॉय की हम लास्ट पे ड्रॉन देखते हैं इसकी सर्विस बुक से, तो इसकी लास्ट पे ड्रॉन है 35,400, और इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो ड्यू है वो 1/1/2022 को है, मींस इसकी नेक्स्ट मंथ में अभी इंक्रीमेंट भी लगनी है, तो रिटायरमेंट से पहले इसकी इंक्रीमेंट लग चुकी होगी, और इसकी इंक्रीमेंट लगने के बाद इसकी सैलरी हो जाएगी 36,500 रुपये, तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट पे ड्रॉन है वो 36,500 होगी। तो अब हम इसकी जो पेंशन कैलकुलेट करेंगे वो 36,500 के हिसाब से ही करेंगे, इसकी हाफ ईयरली थी यहाँ पर 54, और यहाँ पर हम मैक्सिमम हाफ ईयरली 40 ही ले सकते हैं, जैसे कि इसकी 54 हाफ ईयरली हैं तो इसकी हम यहाँ पर मैक्सिमम 40 ही लेंगे हाफ ईयरली, 40/40 आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये हाफ ईयरली 40 से कम होती, फॉर एग्जांपल मान लिया 32 हाफ ईयरली होती इसकी, तो फिर हम यहाँ पर 32 ही लेते, उस केस में यहाँ पर 32 आ जाता, लेकिन अगर 40 या 40 से अबो हाफ ईयरली हैं तो फिर हम मैक्सिमम 40 ही लेकर चलेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी हाफ ईयरली कम है, इसने 20 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं की है, तो इसकी जो पेंशन है वो 50% की बजाय और भी कम बनेगी। अब यहाँ पर इसकी जो पेंशन आएगी वो आएगी 18,250, तो यहाँ तक इसकी पेंशन तक की कैलकुलेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो ब्लास्ट के 5 स्टेप थे जो हमने यहाँ से साफ किए थे वो 5 स्टेप देखेंगे हम। 6th स्टेप हमारा है कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है उस पेंशन का कुछ हिस्सा लमसम अमाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पर ही एम्प्लॉई ले लेता है, उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, जो हमारी ये पेंशन है इसका 40% पोर्शन ऑफ पेंशन, मीन्स जो आपकी 18,250 पेंशन बनी है इसका 40% लेंगे हम, तो ये 40% इसका पोर्शन आ गया जो
पेंशन मिलने वाली थी इसको रिटायरमेंट पे, उसके बाद जो कम्यूटेशन होगी पेंशन की, कम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पोर्शन मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू परसेंटेज। ये जो परसेंटेज होती है ये हमारी टेबल में, जो कम्यूटेशन वाली टेबल है हमारे रूल्स में, उसमें दी हुई होती है। तो ये फॉर्मूला है कम्यूटेशन का। और अगर हम हमारे सर्विस रूल में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्यूटेशन फैक्टर, जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ होगी 59 ईयर, क्योंकि वो 58 साल की एज में रिटायर हो रहा है। तो 59 ईयर पर इसकी जो परसेंटेज आएगी, कम्यूटेशन फैक्टर है जो, वो है 8.371। तो इस तरीके से हमने यहाँ से ये कम्यूटेशन फैक्टर उठाना है। यहाँ पर मोस्टली दो ही कम्यूटेशन फैक्टर आएंगे जो इन्होंने हाईलाइट भी कर रखे हैं, 59 की एज पे और 61 की एज पे। 61 की एज पे का ग्रुप डी के लिए। उसके अलावा जो ये कम्यूटेशन फैक्टर्स हैं ये यूज़ हो सकते हैं अगर कोई एम्प्लॉई रिटायरमेंट से पहले VRS लेना चाहता है तो। फिलहाल इस केस में हमें कम्यूटेशन फैक्टर है जो परसेंटेज ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है वो हमें 59 एज पे ही लेनी है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 7300 गुणा में 12 गुणा में जो इसका कम्यूटेशन फैक्टर है 8.371। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आती है 733.6। इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारा जो कम्यूटेशन की टोटल अमाउंट आएगी वो आएगी 733,300 रुपये। तो ये इसकी जो कम्यूटेशन और पेंशन है उसकी कैलकुलेशन है। इसके अलावा अगर किसी भी एम्प्लॉय की आप कम्यूटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिविल सर्जन से उसका मेडिकल करवाना होता है, वो मेडिकल रिपोर्ट सिविल सर्जन देता है कम्यूटेशन के लिए, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फार्मूला है कम्यूटेशन के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये 6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद 7th स्टेप है हमारे पास रेजिडुअल पेंशन। रेजिडुअल पेंशन है कि कम्यूटेशन के बाद उसकी कितनी पेंशन बच जाएगी जो उसको हर महीने मिलेगी। तो जो इसकी नेट पेंशन थी 18,250, उसमें से जितनी वैल्यू हमने कम्यूट की है इसकी, जो हमने पोर्शन लिया था 7300 रुपये, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी बचेगा वो इसकी रेजिडुअल पेंशन होगी जो इसको हर महीने मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर 10,950 रुपये इसकी रेजिडुअल पेंशन है। उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास फैमिली पेंशन कैलकुलेट करने का। हम पेंशन केस के लिए जो परफॉर्मा फिल करके सेंड करते हैं उसी में हमें फैमिली पेंशन की भी एंट्री करनी होती है, ताकि फ्यूचर में अगर एम्प्लॉई के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन हमें दो तरीके से मिलती है। एक होती है एनहांस्ड फैमिली पेंशन और दूसरी जो नॉर्मल रेट पर मिलती है। जो एनहेंस्ड फैमिली पेंशन है वो उसकी लास्ट पे की 50% ही होती है, मीन्स जो उसकी पेंशन बनी थी उसके बराबर ही। तो एनहांस्ड फैमिली पेंशन सेम आएगी। ये एनहेंस्ड फैमिली पेंशन किसी भी पेंशनर को मिलती है जब तक उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर ना हो जाए या फिर मैक्सिमम 7 साल तक। तो जो भी पहले इवेंट अक्कर होगा उतने पीरियड के लिए एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी उसके फैमिली मेंबर्स को। अगर कोई पेंशनर रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है उस केस में। नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो जो लास्ट पे ड्रॉ की है उस एम्प्लॉई ने, उसका 30% होती है। तो जैसे इसने लास्ट पे ड्रॉ की थी 36,500 रुपये, तो इसका 30% इसकी नॉर्मल पेंशन होगी। तो ये इसकी नॉर्मल पेंशन है। ये पेंशनर के लिए बताया था मैंने एनहांस फैमिली पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉई रिटायरमेंट होने से पहले किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उस केस में एनहांस फैमिली पेंशन है वो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक या फिर 10 साल तक, जो भी कम हो, जो भी पहले इवेंट अक्कर होगा उस डेट तक उसके फैमिली मेंबर को एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास लास्ट में 2 स्टेप बचते हैं। एक हम DCRG कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक लीव एनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो दोनों भी मैं आपको बता देता हूं। पहले DCRG का मतलब होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। और जैसे पेंशन केस में जो हमने इमोल्यूमेंट्स लिए थे वो था लास्ट पे ड्रॉन। जो DCRG के लिए इमोल्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं लास्ट पे प्लस DA प्लस, अगर किसी को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिल रहा है तो वो,
और उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है उसका कोई अलाउंस जो पेंशन बेनिफिट के लिए काउंट होगा तो वो भी हम डीसीआरजी के लिए कैलकुलेट करेंगे। इमोल्यूमेंट्स भी आप रूल्स में देख सकते हैं, डेफिनेशंस में ही सातवां पॉइंट है इमोल्यूमेंट्स के लिए, पेंशन के लिए कौन से इमोल्यूमेंट्स माने जाएंगे और डीसीआरजी के लिए कौन से इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर डीसीआरजी के लिए कंडीशन ये भी है कि जो उसकी पे है और जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो 224,100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये सभी चीज़ें आपको रूल्स में मिल जाएंगी। ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये सभी रूल्स में दी गई हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी को एनपीए मिल रहा है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस तो वो भी ऐड करना है आपको। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हाफ ईयरली डिवाइडेड बाई 4। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था पेंशन के लिए हाफ ईयरली मैक्सिमम 40 हैं, ऐसे ही डीसीआरजी के लिए जो मैक्सिमम हाफ ईयरली हैं वो अभी भी 66 ही हैं, तो 66 हाफ ईयरली तक आप यहां पर ले सकते हैं। अगर उससे कम है तो आपको कम लेनी है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप 66 ही लेंगे। इस केस में जैसे इस एम्प्लॉय की लास्ट पे है 36,500 रुपये प्लस डीए हम मान के चलते हैं इसका, जैसे हम 28% डीए ले रहे हैं अभी और सेंट्रल गवर्नमेंट में 3% डीए डिक्लेयर हो चुका है लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, तो फिर भी जब तक ये रिटायर होगा तब तक वो 3% तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो 28% प्लस 3 मतलब 31% डीए के हिसाब से फिलहाल मैं इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इसकी जो बेसिक पे है उसके ऊपर 31% डीए भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसका डीए की कैलकुलेशन जो भी है वो इसमें ऐड कर देंगे, प्लस एनपीए इसका 0 है तो एनपीए को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट की थी 54 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये इस एम्प्लॉय की डीसीआरजी है, इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये इसकी टोटल डीसीआरजी की अमाउंट बन जाएगी। तो इस तरीके से हम डीसीआरजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप बचता है, लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। लीव एनकैशमेंट के लिए भी जो हमारे इमोल्यूमेंट्स हैं वो वही हैं जो डीसीआरजी के लिए हैं, लास्ट पे प्लस डीए, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो छुट्टियां हैं वो लेनी है, यहाँ पर मैक्सिमम 300 छुट्टियां हम ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 30। तो ये लीव एनकैशमेंट का फॉर्मूला है। अब इस एम्प्लॉय की छुट्टियां जैसे 300 ही हैं तो डायरेक्ट मैं 300 ले लूँगा, 300 से ऊपर ही हैं, 300 से ज़्यादा हो तो हमें 300 ही लेना है। अगर कम है तो मान लो अगर 200 छुट्टियां हैं तो यहाँ पर हम 200 ही लेंगे, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लीव एनकैशमेंट की अमाउंट डायरेक्ट 4,78,150 रुपये आ जाएगी। तो ये 10 स्टेप्स हैं जो हमें एसएएस के एग्ज़ाम में भी फॉलो करने हैं और हमारे डेली का जो ऑफिस का काम है उसमें भी हमें पेंशन की कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो एसएएस के एग्ज़ाम में पेंशन का क्वेश्चन आता है उसमें जो हम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव, उसके अलावा फॉरेन सर्विस या फिर सस्पेंशन में उसकी जो सस्पेंशन के ऑर्डर हुए हैं उसके बाद उसका जो पनिशमेंट मिली है उसको कैस किस टाइप की पनिशमेंट मिली है तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। तो 10 ईयर से भी हम पेंशन कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे एग्जाम से रिलेटेड इस टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहें तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।